यहाँ पर गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी नौकरी होती है? दोस्तों यहाँ पे बहुत ही नौकरी है, आप जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बहुत ऐसे काम है अगर आप इंडिया में सीख के आते हो, वेल्डर का, एसी मैकेनिक का, ड्राइवरिंग का, कुकिंग का, टेलर का, बाल काटने का, या राजमिस्त्री जो सीमेंट का काम करते हैं वो, तो बहुत चीज़ें दोस्तों ऐसी है अगर आप ये काम सीख लोगे ना तो आपके लाइफ में काम आने वाले हैं। और दोस्तों गल्फ कंट्री में आ जाओगे ना उस दिन आपकी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं महबूब इन्फो और मैं हूं दोस्तों आपका भाई महबूब। दोस्तों पांच काम ऐसे हैं जो कि आप इंडिया में सीख लोगे ना तो यहाँ पे गल्फ कंट्री में बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो, ये एक रियल सच है और मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताने वाला है। होटल, होटल में अगर आपको डिलीवरी काम में मिल जाएगा तो उसमें भी पैसे है, टिप है, दोनों है। कुकिंग का काम मिलेगा उसमें भी टिप है और पैसे है, दोनों है। ये दो चीज याद रखे कि होटल में ड्राइवरिंग और कुक का काम आप जरूर सीख ले। अगर आपका सपना है गल्फ कंट्री आना है तो ये काम आपके लिए बेस्ट लाइफ में साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आप ट्रक ड्राइवर का अनुभव है तो आप उसमें ट्राई करते रहिए। ट्रक ड्राइवर में भी दोस्तों अच्छे पैसे है, यहाँ अच्छे से पैसे अर्न कर सकते हैं ट्रक ड्राइवर में। अगर आप चाहते हो, आपको अनुभव है थोड़ा बहुत ट्रक ड्राइवर के बारे में, अगर आप जानते हो तो इसमें भी अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो यहाँ आके। यहाँ पे जो हेयर कटिंग वाला, सैलून वाला, बाल काटने वाला, ये यहाँ पे भी दोस्तों बाल काटने वाले भी यहाँ अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, जो कि 1 KD, 1 KD हाफ, 1.5 KD ऐसे चार्ज करते हैं बाल काटने वाली। अगर कोई भी व्यक्ति बाल दाढ़ी सब बनाना चाहेगा नहीं तो लगभग आप मान के चलो कि 2.5 से 2 KD तक का उसका होगा, और 2 KD के आप मान के चलो कि इंडिया में 560 के आसपास हो जाते हैं 2 KD के मात्र। तो इस काम में भी पैसे है, ये भी काम आप सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। हो सकता है ये काम बाल काटने वाला बहुत ही लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों लोगों की पसंद के पीछे मत जाओ। अगर आपको यहाँ गल्फ कंट्री में आके काम करना है और ज़्यादा पैसे कमाना है तो आप इस काम में आइए। और पे दोस्तों जो काम आने वाला है और अच्छे पैसों वाला वो है टेलर की जॉब, जो कपड़े सिलने वाला है। इसमें भी बहुत ही पैसे हैं, यहाँ पे जो सिलाई का काम करता है ना दोस्तों उसमें भी बहुत पैसे हैं। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है सिलाई का तो आप 2 साल दीजिए उस जगह, और 2 साल के बाद में आप यहाँ खुद की जॉब डाल सकते हो। बहुत पैसे है इसमें सिलाई वाले में, लगभग जो एक कपड़ा होता है जो उसको दासा बोलते हैं, और आप में भी बहुत ज़्यादा देखा होगा कि अरबी लोग एक जैसा ही कपड़ा पहनता है, और उस पूरे फुल कपड़े का यहाँ से इनका सिलाई का चार्ज कपड़े को मिलाकर बोलूँ तो 15 KD 20 KD चार्ज होता है, जो कि कपड़े के हिसाब से तय होता है। और 20 KD का बहुत ही पैसे हो जाते हैं इंडिया के, जो कि आप खुद कन्वर्ट करके देखो, तो इसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और नंबर 5 पे दोस्तों एसी मैकेनिक, जो इनके घरों में एसी लगी रहती है, अगर उसका आपको अनुभव है एसी ठीक करने का काम सीख लेते हो तो इसमें भी बहुत पैसे है। यहाँ पे नॉर्मल एसी खराब हो जाती है तो 20 से 25 KD वो आता है, लेके जाता है, और करता क्या है, सिर्फ गैस गैस डालता है, और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है एसी जल जाए, कर जाए अंदर से कुछ पार्ट, तो सीधा बोल देगा कि एसी नहीं लगाओ, तो इसमें भी पैसे बहुत है। नंबर 6 दोस्तों कार रिपेयरिंग, अगर आपको उसका अनुभव है तो कार मैकेनिक की भी जॉब बहुत निकलती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारी जॉब है जो जिसमें बहुत सारे पैसे है, डिलीवरी बॉय हो गया, ड्राइवरिंग हो गया, बहुत पैसे है। अगर आप नॉर्मली इंडिया से आते हो ना तो आप मान के चलो कि 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार आपकी सैलरी आराम से रहेगी, अगर उसको कुछ भी पता नहीं है ना, लेबर का भी काम करता है यहाँ पे 20 से 25 हज़ार आराम से सैलरी रहती है, जिनको कुछ भी पता नहीं होता है उनको भी। तो आप तो ये काम सीख के आओगे ना, देखो
किस्मत आजमा के देखना एक बार। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जो भी मैंने रियल जानकारी दी उन्हें दोस्तों दिल से दी हूँ और जो मैं यहाँ देखता हूँ वही आप तक वीडियो में शेयर करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। लव यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए क्योंकि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। आपको जहाँ भी मौका मिले इंसानियत का धर्म निभाने की कोशिश।